शेयरों पर चर्चा करेंगे जो आज खबरों के चलते फोकस में, और शुरुआत करेंगे IEX के साथ। नवंबर में जो कुल वॉल्यूम रहा है वो है 7,764 मेगावाट यूनिट का, और हम देख रहे हैं कि शेयर में 0.5% के आसपास की तेजी है। खास एक्शन नहीं है, लेकिन गौरव वैल्यू इन्वेस्टर हैं गाय स्पेयर, उनकी नजर है स्टॉक पर और उन्होंने कहा है कि कई साल के लिए बड़े मौके इस स्टॉक में बन सकते हैं। IEX के चार्ट आपको कैसे लग रहे हैं और क्या मौजूदा स्तर पर आपको लगता है कि इसमें एंट्री करना ठीक रहेगा? देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में HGMO को क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा था, वो एक अच्छा संकेत नहीं है। रिवर्सल जो होते हैं वो छोटी टाइम फ्रेम से बढ़ के बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो अगर किसी का नजरिया है कि मैं मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में देखना चाहता हूँ, तो आपके जो स्टॉप लॉस होगा 130 का होगा, और एक बार स्टॉक 160 वगैरह के ऊपर क्लोजिंग देते हैं डेली या वीकली, तो इसमें जो गति है वो बढ़ती रहेगी ऊपर जाने के लिए। तो स्ट्रक्चर मुझे खराब नहीं लग रहा है सच, यहाँ पे बाय किया सकता है। शॉर्ट टर्म में उसको अवॉइड करूंगा, लेकिन अगर किसी का नजर है मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म पे, तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, IEX पर हमने व्यू ले लिया, लेकिन आज गौरव शुरुआत थोड़ी सी उथल पुथल वाली रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ निचले स्तर से आ रहा है और रिकवरी अच्छी है। खासतौर से अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर तो बहुत ही अच्छी रिकवरी है। आप ये बताइए कि आखिरी के 2 घंटे में आप किस साइड के ट्रेड लेने की सलाह देंगे? क्या यहां से निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं या बेहतर होगा बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना? देखिए, एक दायरे में सीमित है निफ्टी पिछले 2 या 3 दिनों से अगर आप देखेंगे, और मैं समझता हूँ कि जो दायरा है ये थोड़ा कंटिन्यू भी रहेगा, तो मैं कोई अग्रेसिव ट्रेड हमने अपने क्लाइंट्स को भी कोई दिलवाया नहीं है। आज एग्जिट पोल जब रिलीज होगा तो मुझे लगता है उसके बाद में कोई क्यूज मार्केट शायद ले और कल कुछ मोमेंटम देखने मिले। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ना मैं बैंक निफ्टी ना मैं निफ्टी, दोनों में मुझे फिलहाल यहाँ पे सच कोई अग्रेसिव बाइंग के मौके नजर नहीं आ रहे। अब प्रोबेबली अगर आपको 18,600 के आसपास में स्पॉट फ्यूचर स्पॉट अगर निफ्टी देखने मिलती है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, जो उसका लाइफ टाइम हाई पे ब्रेकआउट हुआ था उसके रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, वो एक अच्छा आपके लिए एंट्री पॉइंट हो सकता है। बट बियॉन्ड दैट अगले 2 घंटे की अगर बात है तो मुझे यहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई ट्रिगर बड़ी अपसाइड या बड़ी डाउनसाइड का फिलहाल लग नहीं रहा है। फ्यूचर्स की अगर बात की जाए तो 18,860 जो है 860 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल बना है अगर आप पिछले 5-6 घंटे की कैंडल्स वगैरह देखें, और 18,730 एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। तो अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक रेंज में दायरे में सीमित है मार्केट, यहाँ पे मैं फिलहाल फ्रेश एंट्री के मौके नहीं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, फ्रेश एंट्री के इंडेक्स के लेवल मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टॉक्स में मौके बहुत भरपूर हैं और